आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत हेठ देशभर में तिरंगा यात्रा आयोजन थी रू है। गुजरात में तमाम शहरों में तिरंगा यात्रा योजाई रही है, जेमा मुख्यमंत्री गृहराज्यमंत्री सहित भाजपा टोचना नेताओं उपस्थित हो। खास कर वडोदरा में आज रोज कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी की उपस्थिति में तिरंगा यात्रा आयोजन कर तिरंगा यात्रा में देशभक्ति गीतों वगाड़ी रहा था। दरमियान देशभक्ति गीत में अरविंद केजरीवाल संबोधन शुरू थी गयु। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस देश में ऐसी क्रांति आएगी जब हम भ्रष्ट पार्टियों को उखाड़ के फेंक देंगे। आम तिरंगा यात्रा दरमियान अचानक अरविंद केजरीवाल नु संबोधन शुरू थी जता मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी और सांसद रंजनबेन भट्ट रोषे भराया था। कारण के गुजरात में अरविंद केजरीवाल सतत प्रयासों करी रहा है, भाजप सरकार की नीतिओ पर तेवो सतत प्रहारों करता होय छे अने गुजरात ना राजकारण में एंट्री करवा माटे पण अरविंद केजरीवाल प्रयत्नों करी रहा है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल ना निवेदनों ने इग्नोर करी रही है अने खास करीने सतत आक्रमक निवेदनों बाद पण भारतीय जनता पार्टी शांत है, परंतु भाजप द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में अरविंद केजरीवाल नु संबोधन शुरू थी जता तमामे तमाम जे हाजर भाजपना नेताओं मंत्री और सांसद पण खूब ज रोषे भराया था। हाल में सोशल मीडिया में आ वीडियो खूब ज वायरल थई रह्यो छे। वडोदरा थी गुजरात तक माटे दिग्विजय पाठक ना वाला।